हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स बुक चैप्टर इलेवन जक्स एंड मक्स तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं जक्स एंड मक्स वेडिंग इन बनीज़ फैमिली बनी के फैमिली में वेडिंग हो रहा है देयर इज़ ए वेडिंग इन बनीज़ फैमिली ए फैमिली ऑफ रेबिट्स तो एक रेबिट के फैमिली में यानी रेबिट जो है बनी एक रैबिट है उसके फैमिली में शादी हो रहा है मैनी गेस्ट्स आर इन्वाइटेड डियर मंकीज एलिफेंट कैट्स डॉग्स माइस फोक्सिस कैमल्स मोंगूस ए टी सी तो ये सारे बहुत सारे गेस्ट आते हैं जिसे इन्वाइट किया जाता है जैसे कि डियर मंकी एलिफेंट कैट्स डॉग्स माइस फॉक्सेस कैमल्स मोंगोस ये बहुत सारे आते हैं वेडिंग में ए स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट्स वन ग्लास इच तो एक स्पेशल ड्रिंक सर्व किया जाता है सारे गेस्ट को ठीक है हर एक को एक एक ग्लास सर्व uh, किया जाता है एवरी वन फाइंड द ड्रिंक वेरी टेस्टी बट सम स्मॉल गेस्ट्स लाइक माइस एंड कैन नॉट फिनिश ए फुल ग्लास तो सारे को ड्रिंक दिया जाता है ठीक है पूरा भर के पूरा फुल ग्लास जो है ड्रिंक दिया जाता है लेकिन कुछ स्मॉल स्मॉल गेस्ट रहते हैं जो स्मॉल गेस्ट होते हैं जो जैसे कि माइस एंड तो ये सारे जो है अपने ग्लास को फिनिश नहीं कर पाते हैं नहीं पी पाते हैं वो बट डॉग इज़ एबल टू फिनिश हिज ग्लास लेकिन डॉग जो है वो अपने ग्लास को फिनिश कर लेता है सम अदर लाइक डियर कैमल एलिफेंट आस्क फॉर मोर देन वन ग्लास अब देखिए कुछ अदर रहते हैं जैसे कि डियर कैमल एलिफेंट तो ये सारे जो है ना और भी ग्लास पीना चाहते हैं ठीक है और भी ड्रिंक लेना चाहते हैं एक ग्लास ज़्यादा ना द्रॉबल बिगिनस अब देखिए मुसीबत स्टार्ट हो जाता है देर आर समिग गेस्ट्स हु गो ऑन कल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास तो कुछ बिग गेस्ट होते हैं तो वो ग्लास पे ग्लास गटकते जाते हैं यानी एक ग्लास के बाद एक ग्लास फिर से वो पीते जाते हैं बनी वॉन्ट्स टू गैस हु ड्रेंक हाउ मच अब बनी गैस करना चाहता है कि कौन ज़्यादा पीता है हेल्प हिम फिल द टेबल फन अब आपको हेल्प करना है उसका आपको फ़िल करना है ये टेबल टेबल फ़िल करने में आपको हेल्प करना है तो ये फन का है ठीक है तो देखिए इसमें ड्रेंक हाउ मच और नेम ऑफ गेस्ट अब यहाँ कौन कितना ज़्यादा पीता है तो ये आपको गैस करके उसके बाद यहाँ पे लिखना है लेस देन वन ग्लास अब वन ग्लास से भी कम कौन पीता है तो जो स्मॉल गेस्ट हैं वो पी सकते हैं बिटवीन वन एंड फाइव ग्लासेस वन एंड फाइव ग्लासेस के बीच में कौन पीता है बिटवीन टेन टू ट्वेंटी ग्लासेस मोर देन हंड्रेड ग्लासेस ठीक है तो बड़े बड़े जो गेस्ट हैं वो हंड्रेड ग्लासेस से भी जो है वो ज़्यादा पियेंगे ठीक है तो इस तरह से आपको गैस करना है कि कौन कितना पीता है तो वो आपको लिखना है वाटर इन वाटर आउट हैव यू एवर थाउट लाइक लड्डू तो क्या आप लड्डू की तरह सोच सकते हैं I drink so much water in a day, but all of it does not go out of me. Where does it go? तो ये सोचता है कि मैं दिन में बहुत सारा पानी पीता हूँ लेकिन ये जाता कहाँ है ठीक है तो ये ये सोचता है About how many glasses of water do you drink in a day? तो आप दिन में कितने ग्लास पानी पी जाते हैं तो कितना पी जाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे समर डे तो समर डे में कितने ग्लासेस पी जाते हैं टेन टू ट्वेल्व ग्लासेस और विंटर में सेवन टू एट ग्लासेस ठीक है कैन यू गैस हाउ मच वाटर गोज़ आउट ऑफ यू तो आप क्या आप गैस कर सकते हैं कि, कि कितना वाटर जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है तो कितना निकल जाता है लगभग आपका जो है हाफ लीटर हाफ से वन लीटर ठीक है इतना बाहर निकल जाता है इसके बाद देखिए बॉटल्स एंड बकेट्स गेट ए वन लीटर बॉटल आपको वन लीटर बॉटल लेना है कैन बी एन एम्पर्टी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल ए टी सी तो आप इसमें जो है ना इम्पर्टी बॉटल ले सकते हैं चाहे वो वाटर का हो या ऑयल का हो नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड ए मग जग ग्लास बाउल ए टी सी ऐट योर हाउस तो आपको कुछ आपको बॉटल्स कलेक्ट करने हैं कुछ बॉटल्स होंगे कुछ मक्स जक्स ग्लास बाउल तो ये सारे अपने घर से कलेक्ट करना है यूज़ द वन लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड्स मोर दैन वन लीटर एंड विच ऑफ विच वन हॉल्ड्स लेस देन वन लीटर अब आपको चेक करना है उस बॉटल्स में कि, कि किस में वन लीटर से ज़्यादा आता है और किस में वन लीटर से कम आता है ठीक है मेक ए स्मॉल ड्राइंग इफ़ यू लाइक अब आप इसमें एक स्मॉल ड्राइंग भी बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो तो देखिए यहाँ पे है जैसे कि दिया गया है लेस देन वन लीटर मोर देन वन लीटर ठीक है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्राइंग करना है जो भी आपने लिया है जो भी आप जैसे बाउल मग्स जग्स ग्लास जो भी हैं आपके घर में जो बर्तन है आपने लिया है तो उसमें आपको यहाँ पे बनाना है ड्राॅइंग करना है इस साइड में और उसमें देखना है कि किस में वन लीटर से कम आता है किस में वन लीटर से ज़्यादा पानी आता है तो ये सारे आपको चेक करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस अब अपने घर में आप बकेट को देखिए गैस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड तो उसमें कितना लीटर वाटर होता है मतलब कि रह सकता है कितना पानी आता है तो कितना आता होगा लगभग आपका फिफ्टीन टू ट्वेंटी लीटर्स एक बकेट में आ जाता है बड़ा बकेट में छोटे में फाइव लीटर आ जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे यूज़ अ वन लीटर बॉटल एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट फॉर ऑल द बकेट्स अब आपको यूज़ करना है वन लीटर बॉटल्स का और चेक करना है आपको गैस करना है कि ये सारे जो है बकेट्स में आप अगर सही हैं तो कितना आता है ठीक है तो देखिए जैसे बकेट है माई गैस माई मेज़र अब बकेट वन बकेट टू बकेट थ्री ठीक है वन लीटर का आपको बॉटल का यूज़ करना है और यहाँ आपको गैस करना है कि बकेट वन एक बकेट है तो उसमें आप अगर डालते हैं पानी वन लीटर के बॉटल से तो कितना आता है जैसे छोटा बॉटल छोटा बकेट है उसके बाद बड़ा बकेट है उससे बड़ा है और यहाँ पे मेज़र तो ये सारे आपको खुद करके के लिखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद देखिए इसमें आपको मैच द राइट पेयर्स आपको मैच करना है ठीक है तो यहाँ पे अबाउट ट्वेल्व लीटर्स अब यहाँ पे देखिए अबाउट ट्वेल्व लीटर्स किस में आता है एक बकेट में आएगा तो बकेट में मैच कर देंगे उसके बाद देखिए फिर है लेस देन हाफ लीटर हाफ़ लीटर से कम किस में आएगा तो एक आई ड्रॉप्स बॉटल में आएगा उसमें मैच करेंगे अबाउट फाइव लीटर्स फाइव लीटर्स किस में आएगा एक वाटर सुराही में आएगा जो जिसमें पानी रखते हैं मटका में ठीक है सुराही में आएगा इसके बाद वन थाउजेंड लीटर्स तो किस में आएगा वाटर टैंक में आएगा ठीक है ये जो वाटर टैंक है इसमें वन थाउजेंड लीटर आएगा पानी के बाद हाफ़ लीटर हाफ़ लीटर किस में आएगा हाफ लीटर आएगा टू मेज़र मिल्क जो मिल्क मेजर करते हैं जिससे उसमें आएगा तो इस तरह से आपको मैचिंग कर लेना है ठीक है तो इस तरह से आप बना लेंगे इसे उसके बाद है हुज हुजग होल्ड मोर ठीक है हुज जग होल्ड्स मोर तो किसके जग में ज़्यादा आता है ठीक है वॉट आर नायमा वाट आर नायमा एंड जीतू डूइंग तो नायमा और जीतू क्या कर रहे हैं इफ़ नायमा पोर्स वन ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस तो वो क्या कर रही है एक वो अपने जग में एक ग्लास वाटर फिल कर रही है डाल रही है ठीक है तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये कैसे डाल रही है इसमें पानी इसके बाद देखिए नाइमा थिंक नाइमा थिंक सी विल हैव टू पोर अराउंड थ्री ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग वॉट डू यू थिंक तो नायमा सो नायमा सोचती है कि वो इसमें अराउंड थ्री ग्लासेस ऑफ वाटर फिल कर सकती है इस जग में तो वो क्या सोचती है आई थिंक सी इज़ राइट तो वो सच में सोचती है कि उसमें वो तीन ग्लास थ्री ग्लासेस ऑफ वाटर फ़िल कर सकती है ठीक है ये बड़ा सा जग है ठीक है उसने जग लिया है तो जग में वो इसमें थ्री ग्लासेस ऑफ वाटर फिल कर सकती है इफ़ जीतू पोर्स वन ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस जीतू अगर वो अपने जग में वन ग्लास वाटर फिल करता है अगर तो देखिए वो जग होल्ड्स मोर वाटर तो किसका जग जो है ज़्यादा किसके जग में ज़्यादा पानी आता है तो जीतू जीतू जग होल्ड्स मोर वाटर तो जीतू के जग में ज़्यादा पानी आता है तो देखिए इसमें जीतू के जग में ज़्यादा पानी आएगा तो इस तरह से देखिए जैसे कि नायमा जो है नायमा की जग में कितना ये वन ग्लास जो है इसमें फिल करती है तो यहाँ तक आता है पानी ठीक है और ये जब वन ग्लास फिल करता है तो इसके यहाँ तक आता है यानी कि इसके जग में ज़्यादा पानी आएगा ठीक है और इसके जग में कम आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीतू जग होल्ड्स मोर मोर वाटर हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू सुड पोर टू फिल हिज जग तो अब देखिए आप अब बताइए इसमें कि कितने ग्लासेस वाटर जीतू फिल कर सकता है इस जग जग में वो कितने ग्लासेस पानी डाल सकता है तो फाइव ग्लासेस ठीक है नायमा से ज़्यादा डालेगा तो ये फ़ाइव ग्लासेस डाल सकता है इफ जीतू पोर्स वन मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड ऑलमोस्ट फुल अगर वो अगर एक ग्लास अगर और ज़्यादा पानी अगर उसमें डाल देता है तो वो ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा ठीक है देखिए फिलिंग पॉट्स नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स इच्छ विथ वाटर तो नसीम और अब्दुल जो है वो जो है ना पॉट को फिल कर रहा है पानी से बहुत पॉट्स वे आर इक्वली बिग एंड हैवी जो दोनों पॉट्स हैं वो बिग है और हैवी हैं सो दे वैन टू द टैप अगेन एंड अगेन तो वो क्या करते हैं अगेन टू अगेन टैप करते हैं फिल देयर आउन बॉटल्स एंड पोर््ड वॉटर इन टू द पॉट्स ठीक है तो वो अगेन अगेन जो है पानी डालते रहते हैं उसमें फिल करने के लिए तो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं नसीम हैड टू फिल हर बॉटल सिक्सटीन टाइम फ्रॉम द टैप बट अब्दुल हैड टू फिल हिज़ बॉटल ओनली एट टाइम्स तो देखिए नसीम जो है ना वो सिक्सटीन टाइम जो है टैप से बॉटल फिल करता है और अब्दुल ऐट टाइम्स तो वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल तो नसीम जो है वो अब्दुल से और कितना टाइम वो ज़्यादा जाता है बिकॉज अब्दुल बॉटल कैन होल्ड मोर वाटर देन नसीम्स जो अब्दुल का जो है ना नसीम का ज़्यादा पानी यानि कि होल्ड करता है तो देखिए इसमें क्या है कि अब्दुल के बॉटल में ज़्यादा पानी आता है नसीम के अकॉर्डिंग ठीक है तो नसीम का देखिए किस तरह से है इसका छोटा बॉटल है और अब्दुल का बड़ा बॉटल है उसमें ज्यादा पानी आता है नसीम्स बॉटल कैन होल्ड हाफ एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल अब्दुल के बॉटल से नसीम के बॉटल में हाफ वाटर आता है ठीक है हाउ मैनी ग्लासेस अब कितने ग्लासेस आएंगे यहाँ पे देखिए ये दोनों है रखा हुआ पॉट पॉट बी होल्ड्स इलेवन ग्लास फुल ऑफ वाटर पॉट ए हॉल्स टूस एज मच वाटर एज पॉट बी हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए तो पॉट ए को भरने में कितना ग्लासेस लगेगा ठीक है तो ट्वेंटी टू ग्लासेस लगेगा ठीक है इस तरह से इसे बनाएंगे इसके बाद है फिलिंग पोथल्स ठीक है पोथल्स दिस इज ए स्मॉल टाउन नियर कोहिमा जो एक जो है ना ये कोहिमा के नजदीक नजदीक एक स्मॉल टाउन है देर आर पॉथल्स इन द रोड जो वहाँ कुछ पोथल्स हैं रोड पर बिफोर द र्ड्रेन वॉन्ट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स तो क्या होता है रेन आने जब रेन आता है उससे पहले ही बच्चे वहां पे जो होल्स होते हैं उसे पेबल्स से फिल कर देते हैं दे ब्रिंग पेबल्स इन मक्स ऑफ द सेम साइज तो वे साड़ी जो है ना सेम साइज़ के मग्स में पेबल्स लाते हैं होल एक गेट्स फिल्ड विथ नाइन मग्स ऑफ पेबल्स अब देखिए जो है नाइन नाइन मग्स ऑफ पेबल्स से इसे फिल करते हैं होल बी गेट्स फिल्ड विथ एटीन मग्स ऑफ बॉटल पेबल्स तो होल बी जो रहता है उसमें एटीन मग्स ऑफ पेबल्स लगता है और होल सी गेट्स फिल्ड विथ ट्वेल्व मग्स ऑफ पेबल्स तो होल सी में ट्वेल्व मार्क्स लगते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो होल है होल ए होल बी और होल सी है तो सारे में अलग अलग लगता है तो मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर अब यहाँ पे मार्क करना है ए बी सी जो राइट right होल है उसमें पिक्चर में विच इज द बिग्गेस्ट पॉथल जो बिगेस्ट uh, पॉथल है वो कौन सा है द बिगेस्ट पॉथल इज बी तो कौन सा है बिगेस्ट पोथल जो है वो कौन सा है बी में देखिए सबसे बड़ा है ये बी वाला तो इसमें हम लिखेंगे बी ठीक है इफ़ जग्स आर यूज होल ए गेट्स फिल्ड विथ फाइव जग्स अगर देखिए यहाँ पे जग्स का अगर यूज़ किया जाता है होल ए में तो ये फिल होता है फाइव जग से तो हाउ मैनी जग्स और पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी अब हॉल बी को फिल करने में कितने जक्स पेबल्स का यूज़ होगा तो टेन जक्स का ठीक है टेन जक्स में हॉल बी जो है ना वो हॉल जो है हॉल बी फिल हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एन से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुँचती रहे और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो